हापुड़ के दोनों टोलों पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर किसानों ने ट्रैक्टरों से धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 26 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान एवं भाक्यू टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आदेश और निर्देशानुसार हापुड़ जिले के तेजतर्रार और भाक्यू टिकैत जिला अध्यक्ष चौधरी दिनेश खेड़ा, जिला अध्यक्ष हापुड़ एवं युवा जिला अध्यक्ष हापुड़ ज्ञानेश्वर त्यागी के नेतृत्व में हापुड़ के दोनों टोलों पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर किसानों ने ट्रैक्टर से धरना प्रदर्शन किया। छिझारसी टोल प्लाजा पर टोल के बैरिकों में ट्रैक्टर के बीचों बीच दिल्ली की तरफ जो ट्रैक्टरों का मुंह कर खड़ा कर दिया गया, जिससे टोल प्लाजा पर वाहनों से जाम लग गया। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। कई घंटों तक किसानों का प्रदर्शन होता रहा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। भाक्यू टिकैत के धोलाना ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी सुंदर सिंह गुर्जर ने बताया कि केंद्र में भाजपा सरकार ने किसानों के हितों की अनदेखी एवं वादा खिलाफी की है, जिससे देश के किसान और मजदूर नाराज हैं। अपनी बात को सरकार के सामने रखने के लिए पंजाब और हरियाणा और सभी प्रदेशों के किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के रास्ते में सड़कों में कीलें ठुकवा दी है, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार खड़ी करवा दी है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दो किसान पुलिस की गोली के शहीद हो गए हैं। किसानों के साथ में महा घोर अन्याय और लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसलिए आज किसान इस टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए हैं और भाक्यू टिकैत के हाईकमान का आदेश मिलते ही दिल्ली कूच करने के लिए सब तैयार हैं। भाक्यू टिकैत के चौधरी जन सिंह अध्यक्षता एवं तहसील अध्यक्ष धौलाना रविंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष हापुड़ नवीन कुमार त्यागी के संचालन में पंचायत की गई, जिसमें सैकड़ों किसान मौजूद रहे, जिनमें चौधरी ओमवीर सिंह बाना, विकास गुर्जर, कर्मवीर गुर्जर, माहिर खान, शहनवाज खान, रुचिन त्यागी, विनोद पंडित, गौतम कुमार, जुल्फीकार, सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। किसान के नहीं है, ऑलराउंडर किसान, किसी को सताने वाली कौम ना थी ना कभी आती है। ये जो आपको आपका जो आंदोलन है, ये कितने दिन तक चलने वाला है? देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। चादर हमारे कंधे पे है। दूसरी बात, हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो सक्षम है, वो खेती करना भी जानती हैं, पशुओं का दूध निकालना भी जानती हैं, हर तरीके से सक्षम है। किसान के घर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे घर में जो माँ बहन बेटियाँ हैं वो हर काम के लिए सक्षम है। तो हमें तो घर से छूट मिली है, या तो कुछ करके आओ या मर के आओ। तो मैं निश्चितकालीन धरना चलेगा और उसके लिए सभी किसान एकजुट हैं और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। देखिए, प्रशासन के अंदर जो भी लोग हैं वो हमारे ही परिवार से, अडानी अंबानी के परिवार से तो कोई है नहीं, या किसी राजनेता के परिवार से कोई कॉन्स्टेबल हो या कोई ऐसा ही हो, तो मुझे बताएं आप, आप भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। प्रशासन का आप सहयोग करते हैं, आप किसी को परेशान नहीं करते और अपने चाहे तरीके से अपने मांग हम लोग कर रहे हैं और चाहे तरीके से ही अपना आंदोलन कर रहे हैं। मैं तहसील अध्यक्ष धौलाना रविंद्र सिंह, जो आज हम यहाँ टूल पर बैठे हुए हैं, ये एक हमारे जो हिटलर शाही सरकार है उसके लिए एक टेलर दिखाया है कि जो ट्रैक्टर हम रोड पर खड़े कर सकते हैं तो हमें दिल्ली आने के लिए भी देर नहीं लगेगी। या तो मोदी जी आप मान जाइएगा, हमारी MSP की मांग को मान करके हमारी MSP की मांग को दे दो, वो नहीं तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यह जो सरकार है, किसान सब कुछ देता है लेकिन किसान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी सी छोटी कंपनी अपना रेट स्वयं फिक्स करती है और किसान को इतनी पावर नहीं है कि जो अपनी फसल को भी अपने रेट में बेच सके। अभी क्या होता है, जब किसान अपनी फसल लेकर जाता है तो मंडी में बोली लगाता है बनिया, और वहाँ जो बोली लगाने वाले खड़े हुए होते हैं वो बनिया के पैकार खड़े हुए होते हैं, उनकी सह से बोली लगती है। तो किसान अपने लिए जो मांग कर रहा है वो MSP की इसलिए करते हैं कि एक न्यूनतम रेट तय कर दिया जाए, उस रेट से अपना माल बेच सके।